नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक चोपड़ा, आप देख रहे हैं सिटी हलचल। बीते दो दिनों से नंगर रेलवे स्टेशन पे घूम रहे एक नाबालिग लड़के को नंगर रेलवे स्टेशन की जीआरपीएफ पुलिस चौकी की टीम द्वारा चाइल्ड हेल्पलाइन रूपनगर की टीम के हवाले किया ही था कि दो बच्चे बिना अपने परिजनों को बताए जालंधर से ट्रेन के माध्यम से नंगल पहुँच गए और रेलवे पुलिस ने इन दोनों बच्चों को भी देर रात चाइल्ड हेल्पलाइन रूपनगर की टीम के हवाले कर दिया। क्या कहा बच्चों ने पहले ये सुने। ओए कहाँ से आए? बोलो बताओ बेटा कहाँ से, कैसे बताओ थोड़ा सा। जालंधर से कैसे आ गए? थोड़ा ऊंची बोलो, ऊंची बोलो, जोर से बोलो। ट्रेन दे 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 इधर आ गए फिर। ओए चढ़ गया सीधा तो नीचे था ट्रेन चालक भी। हाँ क्या कर रहे थे? डरी थे के क्या करते? डेकोरेशन करते राजमिस्त्री। इस बारे में और जानकारी देते आरपीएफ पुलिस चौकी नंगल के प्रभारी इंस्पेक्टर इंद्र सिंह शर्मा ने कहा कि नंगल रेलवे स्टेशन पर दो बच्चे आवारा हालात में घूम रहे थे, तो आरपीएफ पुलिस चौकी नंगल में तैनात सुरक्षा कर्मियों ने जब उक्त बच्चों से चौकी लाकर बात की गई, तो दोनों बच्चों ने बताया कि वे जालंधर के रहने वाले हैं और ट्रेन देखने के लिए अमृतसर से नंगल आने वाली ट्रेन में चढ़ गए थे और इसी दौरान ट्रेन चल पड़ी और वह जहां पहुंच गए। बच्चों से मिली जानकारी के उपरांत चाइल्ड हेल्पलाइन पर इसकी जानकारी दी गई और बच्चों के अभिभावकों को भी जानकारी मिलते ही बाल हेल्पलाइन की सदस्य सुनीता के नेतृत्व में पहुंची टीम के हवाले इन दोनों बच्चों को कर दिया और इसकी जानकारी बच्चों के अभिभावकों को भी दे दी गई है। रोटी रोटी इन्होंने खा ली, बिगड़ने का ना रोटी खा दी इन्होंने। क्यों घर से क्यों आ गए? सुने क्या कहा सिटी हलचल को जानकार दिए थे आरपीएफ नंगल पुलिस चौकी के प्रभारी इंस्पेक्टर इंद्र सिंह शर्मा ने। सर बताएं जो वहाँ पर जो बच्चे आए आपके पास आए हैं, कहाँ के बच्चे हैं, किस हालात में मिले आपको, तो इसका क्या प्रोसीजर कर रहे हैं? अच्छा सर, एक्चुअल में ऐसा है, ये गाड़ी आती है 045-37 अमृतसर से नंगल डैम, तो उसमें बच्चे आए थे लावारिस अवस्था में, दो बच्चे, तो इन दोनों बच्चों को हमारे जो मुलाजिम स्टेशन पे घूमते हैं तो उनको लावारिस अवस्था में मिले, तो पूछने पे कुछ बताया कि जालंधर से गाड़ी में भूल से चढ़ गया, तो ये बच्चे दोनों आए गाड़ी में चढ़ कर, लगभग 10 साल उम्र है और 11-12 साल, दो बच्चे ऐसे हैं, तो हमने इनसे पूछताछ की तो इन्होंने अपने घर का नंबर दिया। इन्हें एक का बाप इसका डेकोरेशन में काम करते हैं, एक का राजमिस्त्री है, तो ये बताया कि स्टेशन पे आए थे गाड़ी में चढ़ने के लिए ऐसे ही, और गाड़ी में चढ़ते समय वो गाड़ी तभी चलती वहाँ से, फिर ये किसी को बोल भी नहीं पाए थे, तो अभी हम इनको लाए हैं थाने में, फिर हमने 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन पर कॉल की और वहाँ के माध्यम से जो यहाँ की चाइल्ड लाइन की वर्कर्स है श्रीमती सुनीता बाबा जी, और अभी ये गनोली से आए हैं, अब हम इनके सपोर्ट करेंगे इनको, और वहीं से इनके माँ बाप को वैसे इन्फॉर्म कर दिया हमने, वो भी आ रहे हैं रास्ते में, बट वो चाइल्ड हेल्पलाइन ही उनको हैंड ओवर करें, ये प्रोसीजर। सिटी हलचल के लिए नंगल से करण चोपड़ा की रिपोर्ट।